हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इंग्लिश डिफरेंटली चैनल में वंस अगेन आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन नॉट टू यूज़ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल कहाँ पे यूज़ नहीं होते। आर्टिकल यूज़ होते हैं नाउन्स के आगे। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, द डिफाइनेट आर्टिकल जिसे आर्टिकल दी कहते हैं और द इनडिफाइनाइट आर्टिकल जिसे आर्टिकल ए एन कहते हैं। दोस्तों, इन आर्टिकल्स के यूज़ के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में इन डिटेल विथ एग्जांपल डिस्कशन किया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियोज़ फर्स्ट। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Let us start to learn the rules. Rule number one: article not used before the names of games, sports. For example, I am playing chess. दोस्तों, किसी भी गेम के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता, राइट? सो रिमेंबर दिस, वी कैन नॉट से आई एम प्लेइंग द चेस, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द बास्केटबॉल, दैट इज रॉन्ग, राइट? डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द name of games. Before the name of profession, we also don't use article. For example, engineering is a useful career. So engineering, doctor, plumber, right? Before this name of profession, we don't use article. Next is with year. For example, do you remember 2019? दोस्तों, 2019 हो या 2000 हो या 1998 हो, वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द ईयर, राइट? आफ्टर द पजेसिव वर्ड्स वी डोंट यूज आर्टिकल। फॉर एग्जांपल, राम्स हाउस, सो राम्स इज पजेसिव वर्ड, राइट? एपोस्ट्रोफी एस इज एडेड टू द नाउन, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पजेसिव वर्ड, राइट? सो दिस हाउस बिलोंग टू राम। Do you like my car? Here word my is indicate the possessiveness of something, right? So my car, my is possessive adjective here. So before, so when this words is used before any noun, we don't use any article before that noun. Okay. Next rule is rule number two. Before names of substances, abstract and plural countable nouns used in a general sense. Substances कौन कौन से है? Like wood, gold, silver, salt, diamond, this all are substances. Abstract noun के बारे में हम लोग देखेंगे, like wisdom, honesty and so on. Plural countable nouns, for example, children, है ना? So ये nouns जब general sense में use हुए होते हैं तब आर्टिकल नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इज बेड फॉर योर हेल्थ, सो सॉल्ट इज सब्सटेंस, राइट? सो हियर सॉल्ट वर्ड इज यूज इन अ जनरल सेंस, सो दैट इज वाई वी आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिकल बिफोर इट। बट अगर मैं ऐसा कहूँ पास मी द सॉल्ट, है ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि टेबल पर जो सॉल्ट का बाउल पड़ा है वो मुझे पास करो, है ना? तो उस अलग सेंस में या पर्टिकुलर सेंस में वी कैन यूज आर्टिकल बिफोर दिस वर्ड्स। नेक्स्ट इज विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इफ इट इज यूज्ड इन अ जनरल सेंस डू नॉट यूज आर्टिकल। लेकिन द विजडम ऑफ हरी इज ग्रेट, अब यहाँ पे द विजडम जो है वो हम बात कर रहे हैं हरी के लिए, राइट? तो हरी का जो विजडम है उसकी ही बात हो रही है, so that is why we are using article the before abstract noun wisdom. Next is children like candies. देखिए दोस्तों, children जो है वो plural countable noun है। plural countable noun general sense में use हुआ है तो don't use article before it. लेकिन where are the children? The children का मतलब होगा यहाँ पे where are our children, right? So that is why this word is used in a particular sense here. So article the is used before it. Otherwise, in a general sense, we don't use article. Rule number three, before names of languages, we don't use article. For example, I know Sanskrit. You cannot say I know the Sanskrit. That is wrong. Same thing, I know Marathi, I know Hindi, I know English, right? That is correct.
बिफोर नेम्स ऑफ रेगुलर मील्स, मील्स कौन से होते हैं दोस्तों? डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, राइट? अगर ये नाउन जनरल सेंस में यूज हुए हैं तो डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर इट. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, राइट? तो डिनर यहाँ पे जनरल सेंस में यूज हुआ है. लेकिन द डिनर होस्टेड बाई क्वीन वॉज सुपर्ब. अब द डिनर क्यों लिखा है यहाँ पे? इसलिए कि ये स्पेशल डिनर है जो होस्ट किया था क्वीन ने, राइट? सो पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही हो, राइट, पर्टिकुलर मील्स की बात हो रही हो, तब आर्टिकल लगता है. लेकिन जब जनरल सेंस में यूज हुआ होता है, लाइक इन फर्स्ट एग्जाम्पल, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर इट. वेल दोस्तों, रूल नंबर 4, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन. सी, ये रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. सो प्लीज वॉच एंड लर्न इट वेरी केयरफुली. फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ पीपल, अशोक, गोपाल, हरी, राम, राइट? ये सभी प्रॉपर नाउन है, राइट? उसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते. किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता. नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स. जितने भी कंटिनेंट्स हैं दुनिया में दोस्तों, उसके नाम के आगे आर्टिकल कभी भी नहीं लगता, राइट? नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ कंट्रीज. दोस्तों, आपको पता है कि मोस्ट कंट्रीज के नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन फ्यू कंट्रीज ऐसे हैं जिसके आगे या पीछे रिपब्लिक, किंगडम वर्ड्स जैसे जुड़े हैं, और जो नाउन खुद एक प्लूरल नाउन बन रहा है, राइट, तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है. लेकिन ऐसे बहुत ही कम नाउन है, राइट, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में. इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, राइट, ये इन सभी नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगते. नेम्स ऑफ सिटीज, वी डोंट यूज आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, गांधीनगर, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, राइट? आपने कभी भी इन सिटीज के नाम के आगे आर्टिकल नहीं देखा होगा, राइट? सो डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर दिस नेम्स ऑफ सिटीज. नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स. फॉर एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट किलिमंजरोज. दोस्तों देखिए, अगर माउंटेन रेंज है पूरी, फॉर एग्जाम्पल द हिमालय, राइट, तो रेंज के लिए आर्टिकल करते हैं यूज, लेकिन इंडिविजुअल माउंटेन के लिए आर्टिकल यूज नहीं होते. नेक्स्ट एंड लास्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिफोर द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल आइलैंड्स, इंडिविजुअल लेक्स, हिल्स, वी डोंट यूज आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, बोर्नियो. दोस्तों एक बात और यहाँ पे मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ प्रीवियस वीडियोस की, कि अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो आर्टिकल द लगता है. फॉर एग्जाम्पल, द अंडमान एंड निकोबार, है ना. लेकिन इंडिविजुअल आइलैंड है, लेक है या हिल है, तो डोंट यूज आर्टिकल बिफोर इट. ओके, नेक्स्ट रूल इज बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, लाइक मदर, आंट, अंकल, फादर, एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, आंट वॉन्ट्स टू हेल्प यू, है ना. यू कैन नॉट से द आंट वॉन्ट्स टू हेल्प यू, दैट इज रॉन्ग थिंग. मदर वॉन्ट्स टू कॉल यू, है ना. सो डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस. रूल नंबर 6, बिफोर द नेम्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, लाइक चर्च, स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट, एटसेट्रा, यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पज. दोस्तों दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पज. अब मुझे ये बताओ, लोग चर्च में क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए? स्कूल में क्यों जाते हैं? यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए? प्रिजन में प्रिजनर्स को रखा जाता है? हॉस्पिटल में कोई दर्दी है तो उसके लिए? कोर्ट में, राइट, कोई केसेस चल रहे, राइट? सो ये सभी जनरल पर्पस हो गए, उसके प्राइमरी पर्पस हो गए. तो प्राइमरी पर्पस के लिए अगर ये इंस्टीट्यूट्स विजिट किए जाते हैं तो वी आर नॉट यूजिंग आर्टिकल बिफोर इट. फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू चर्च, है ना. तो यहाँ पे समझा जाता है कि वो प्रार्थना करने के लिए गया होगा. लेकिन आई मेट हिम एट द चर्च, है ना, तो आर्टिकल द लगा है इसलिए कि वो वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए नहीं गया था, लेकिन वो उसे वहाँ पे मिला था, चर्च पे मिला था, है ना. तो प्राइमरी पर्पस के अलावा और कोई पर्पस से इन जगहों को विजिट करते हो, राइट?
या कोई वहां पे मिलता है तो वी आर यूजिंग आर्टिकल द बिफोर इट, अदरवाइज वी आर नॉट यूजिंग आर्टिकल बिफोर इट. ओके दोस्तों, दिस इज सिंपल एंड इम्पोर्टेंट रूल. रूल नंबर 7, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दिस रूल. द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एबसेंट. अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, जिसे खजाना ची कहते हैं, राइट, जो खजाना हैंडल करता है, अब एक ही व्यक्ति है यहाँ पे जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है ना. तो हम लोग आर्टिकल लगाएंगे सिर्फ एक नाउन के आगे, दैट इज बिफोर द सेक्रेटरी. आर्टिकल द ट्रेजरर के आगे नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है. लेकिन द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एबसेंट, है ना, तो उसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि सेक्रेटरी के आगे भी आपने आर्टिकल लगाया, ट्रेजरर के आगे भी आर्टिकल लगाया, तो उसका मतलब डायरेक्ट बनता है कि यहाँ पे सेक्रेटरी भी एक अलग व्यक्ति है और ट्रेजरर, जिसे हम खजानची कहते हैं, वो भी एक अलग व्यक्ति है. तो दो व्यक्ति की बात हो रही है. सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग आर्टिकल बिफोर ऑल नाउन. ओके दोस्तों, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूल्स, रिमेंबर दिस. ओके दोस्तों, रूल नंबर 8 एंड लास्ट रूल ऑफ द लेक्चर, यूजुअली नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ एयरलाइंस एंड कंपनीज. आई होप आपको बहुत सारी एयरलाइंस के नाम पता होंगे, बहुत सारी कंपनीज के नाम आप जानते होंगे. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उन नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगते. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, सोनी, IBM, एप्पल, सैमसंग, राइट, कोडैक, राइट. सो इन सभी नाउन्स के आगे जो एयरलाइंस और कंपनीज को इंडिकेट करते हैं, उसके आगे आर्टिकल हम लोग यूज नहीं करते. आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. आई विल आंसर एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू दोस्तों.